देखा तेनु पहर वे होने लग करार वे ही हो गया मैं ते हो गया। मजा आया। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। प्रीव्यू में जो आपने स्टेटस वीडियो देखा है, इस तरीके का स्टेटस वीडियो अगर आप भी क्रिएट करना चाहते हो, इस वीडियो को देख लो, आप लोग इजीली क्रिएट कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एलाइट मोशन ऐप का जरूरत पड़ेगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको बिटमार्क XML वगैरह और आपको ऑल मेटल वगैरह मिल जाएगा, सब कुछ डाउनलोड कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको डाउनलोड करने का प्रोसेस नहीं पता है कैसे डाउनलोड करते, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको एक वीडियो मिलेगा हाउ टू डाउनलोड मेटेरियल फाइल। पहले इस वीडियो को देख लो, उसके बाद आप लोग कोई भी फाइल XML हो गया, प्रीसेट हो गया या ऑल मेटेरियल फाइल हो गया, आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले डाउनलोड कर लेना, उसके बाद एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना, प्रोजेक्ट पर क्लिक करना और सबसे पहले जो बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट है इसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पूरा स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, जो पहला वाला बिटमार्क है इस पॉइंट पर आ जाना है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, इमेज को ऐड करना है, प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पे आना है, इमेज को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इमेज को ऐड कर लेता हूँ। थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है, जूम लेयर पे ना थोड़ा सा जूम इन करके आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से मूव वगैरह पे आप लोग कर सकते हो, अगर आपका मन है इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बिटमार्क पे जाना, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, बिटमार्क के हिसाब से आपको यहाँ पे इमेजेस वगैरह को ऐड कर लेना है। और ये सभी इमेजेस अगर आपको चाहिए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल पर आपको ये सब ईजिली मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पर सब कुछ मिलेगा, चेक जरूर करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा और सब फाइल भी डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग चेक करना और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, इसलिए वीडियो जो आप देख सकते हो दिन ब दिन कितना डाउन हो गया है कि नहीं। तो आप लोग लाइक करो, कमेंट करो कैसा लगा वीडियो, आप बताओ। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे इमेजेस को ऐड कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से इमेज को ऐड कर लेने के बाद बिटमार्क पे आना, यानी कि लिरिक्स जिस पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट पर रहना है। ठीक है, अगर आप लोग को ये बिटमार्क वाला प्रीसेट नहीं चाहिए तो मत लेना, खुद गाना सुन सुन के बिटमार्क को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट बिटमार्क पर आ जाना है जहाँ पे लिरिक्स स्टार्ट हो रहा है, प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे आना और आपको यहाँ पे लिरिक्स को लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट के कॉर्नर पे क्लिक करना है ताकि जो टेक्स्ट है वो सेंटर पे आ जाएगा। फॉन्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक फॉन्ट सिलेक्ट करना है, मैं आपको यहाँ पे नाम बता देता हूँ, कहा गया फॉन्ट ऑसवोल्ड सेमी बोल्ड। ठीक है, सेमी बोल्ड एक फॉन्ट है और आप लोग ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करना, ऑसवोल्ड बोल्ड। ठीक है, ये आपको डिफॉल्ट फॉन्ट के अंदर मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग इस फॉन्ट के जगह पे कोई दूसरा फॉन्ट आप लोग जो बोल्ड फॉन्ट है वो आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, और थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेना, इस तरीके से 56 PT जैसा रख लेना। ठीक है, अरे हाँ, राइट पर क्लिक कर देना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना, पहले बॉर्डर शेडो पे आना, इसका शेडो एनेबल कर लेना, उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसको नीचे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट बिटमार्क पे जाना, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना। ठीक है, उसके बाद इसको सिंपल से डुप्लीकेट लेयर कर लेना है और सिंपल से इसको रिमूव करके अभी लिखना है देखा तेनू। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट पे आना है और आपको ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। कलर पे जाके आपको रेड कलर सिलेक्ट करना है, राइट पर क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आके इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, थोड़ा सा साइज जूम इन कर लेना। ठीक है, और ये जो फॉन्ट है ये ऑल मेटल के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सभी लिरिक्स को यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है, इन दोनों को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ऊपर जो प्लस इस पर क्लिक करके कॉपी टू लेयर, नेक्स्ट बिटमार्क पे आना है, प्लस पे क्लिक करके पेस्ट टू लेयर कर देना है और लिरिक्स को यहाँ पे लेके आ जाना है, इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बिटमार्क पे आना है, पेस्ट टू लेयर करना है और लिरिक्स जहाँ तक है इसको भी उतना तक लेके आ जाना है। ठीक है, समझ में आ गया कैसा करना है। ठीक है, और अभी सभी लिरिक्स को चेंज कर लेना है, लिरिक्स पे क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे के सभी लिरिक्स को आप लोग को चेंज कर लेना है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, और आपको ऐसे सिंपल से आपको ऐसे बैक आना है, बैक आने के बाद इफेक्ट वाला जो लेयर है इस पर क्लिक करना है, आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक करना मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो इमेज दिखाई दे रहा है इमेज इफेक्ट इस पर क्लिक करना है, ऊपर जो प्लस इस पर क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है, बैक आने के बाद जो आपका बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट होगा उस पर जाना है, एरो पे क्लिक करना है, इमेज पर क्लिक करना है, ऊपर जो प्लस इस पर क्लिक करना है, पे स्टाइल दिखाई दे रहा है, पे स्टाइल के राइट साइड पे एक एरो दिखाई देगा, एरो पे क्लिक करना है और ये जो आप देख सकते हो ये जो कलर अभी ग्रीन है इसको सिंपली टैप करके व्हाइट करना और पेस्ट पर क्लिक कर देना, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देख सकते हो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इमेज पर क्लिक करना, ऊपर जो प्लस इस पर क्लिक करना, पे स्टाइल पर राइट साइड पर जो एरो इस पर क्लिक करना और अभी देख सकते हो ये ऑलरेडी व्हाइट हो चुका है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं करना है, सिंपल से पेस्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है,
इस तरह से बन जाएगा, देख सकते हो। नेक्स्ट इमेज पर क्लिक करना है, सेम यहाँ पे जो प्लस है डबल प्लस पे क्लिक करना है, पेज स्टाइल पे राइट साइड पे जो है इस पे क्लिक करना है, देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी जो कलर है वो व्हाइट है, सिंपल से पेस्ट कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्या करना है, बाकी सभी इमेजेस पे आपको यहाँ पे बस पेस्ट कर देना है पूरा एंडिंग पॉइंट तक। ठीक है, इतना कर लेने के बाद यहाँ से फिर से बैक आना है, फिर से इफेक्ट वाले आपको लेयर पे जाना है, उसके बाद लेयर बोल रहे हो यार प्रोजेक्ट पे जाना है, आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे आना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है, उसके बाद दोनों सीसी को सिलेक्ट करना है, ऊपर जो प्लस इस पर क्लिक करके कॉपी टू लेयर्स करना है, यहाँ से आपको बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है और जितना भी लिरिक्स है सभी लिरिक्स पे ये जो टेक्स्ट इफेक्ट आपने कॉपी किया सिंपल से पेस्ट कर देना है, जितना लिरिक्स होगा सभी लिरिक्स पे। ठीक है, सभी लिरिक्स पे पूरा बस एंड तक कंप्लीट कर देना है। ठीक है, पूरा एंडिंग पॉइंट तक सभी लिरिक्स पे जो इफेक्ट है वो पेस्ट कर देना, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आके ऊपर से प्लस इस पे क्लिक करके पेस्ट टूल लेयर कर देना, जो सीसी वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑल मेटल के अंदर इंक फ्लैश वीडियो मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे आना है और आपको इंक फ्लैश वाला जो वीडियो इसको आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से वीडियो को ऐड करने, सामने वाला पार्ट को रिमूव कर देने, नेक्स्ट बीट मार्क आके एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देने और इसको सिंपल से इस तरीके से नीचे लेके आना है। ठीक है, इस तरीके से नीचे लेके आना है और टेक्स्ट के ऊपर रखना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इजिंग फ्लैश वीडियोज को सिलेक्ट करना, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आना, लाइटन में आने के बाद स्किन कर देना, यहाँ से बैक आना है, इसका ऑडियो म्यूट कर देना है, उसके बाद इफेक्ट पर क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पर जाना है और आपके यहाँ पे सर्च करना है हॉट कलर। ठीक है, हॉट कलर आ जाएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है और ये जो डॉट है इसको सिंपल से यहाँ पे लेके आ जाना है और इसको थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट कर देना है तो कि ये येलो और थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंक फ्लैश वीडियो को सिंपल से क्लिक करना है, ऊपर से प्लस इस पर क्लिक करके कॉपी लेयर करना है, नेक्स्ट बिट मार्क पे आना है, ऊपर से प्लस इस पर क्लिक करके पेस्ट लेयर और इसको सिंपल से नीचे लेके आना है और इसको नेक्स्ट बिट मार्क तक लेके आने के लिए इंक फ्लैश वीडियो को सिलेक्ट करना। ठीक है, और यहाँ पे जो घड़ी है इस पर क्लिक करना और इसको लेफ्ट स्वाइप करना। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है, फिर इसे क्या करना है, प्लस पे क्लिक करके पेस्ट कर इसको सिंपल से नीचे लेके आना है, नेक्स्ट बिट मार्क पे आना है, घड़ी पे क्लिक करके इसको लेफ्ट मूव करना। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर देना, इस तरीके से आपको पूरा एंडिंग पॉइंट तक कंप्लीट कर लेना है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, कपल जो इमेज का वीडियो आप लोग क्रिएट कर सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, इस तरीके का और भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हो कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।